नमस्कार, स्वागत है आपका पल पल खबर नेशनल 18 में। नक्सली हिडमा को बताया गया छत्तीसगढ़ एनकाउंटर का मास्टरमाइंड। देश में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पहली बार 24 घंटे में आए 1 लाख के पार नए केस। कोरोना के चलते हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रमों पर लगाया बैन, अंतिम संस्कार में केवल 50 लोग ही होंगे शामिल। नक्सलियों को उनके घर में घेर कर मारने की तैयारी, गृह मंत्रालय ने बनाई रणनीति। कोरोना को लेकर बांग्लादेश में आज से 7 दिन के लिए रहेगा लॉकडाउन। अनिल देशमुख पर 100 करोड़ वसूली के आरोप की जांच पर करेगी सीबीआई, परमवीर सिंह की अर्जी पर एससी का बड़ा फैसला। राहत की खबर, अरुणाचल प्रदेश में पिछले 2 दिन से कोविड-19 का एक भी नया मामला नहीं आया सामने। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में अवैध शराब के खिलाफ अभियान में 26 लोगों पर मामला दर्ज। हर घर में जल पहुंचाने का हरियाणा में छिड़ा अभियान, कुरुक्षेत्र और पंचकुला रहे अव्वल पर तो नू जिला पूरे प्रदेश में पिछड़ा। क्रिक कॉरिडोर का होगा विस्तार, पंजाब हरियाणा और हिमाचल के शिक्षण संस्थान में होंगे शामिल।